दिल्ली सीमा से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का रोमांच बढ़ता जा रहा है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आग से यहां उठते रहे धुएं को भाजपा की 2014 और 2017 की रिकॉर्ड जीत पर कुहासा मानकर ही दो नौजवान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की उम्मीदें इस धरती पर जवान हुई हैं। हाथ थमाकर सपा और रालोद के मुखिया सत्ताधारी दल से मुकाबला के लिए तैयार है। भरोसा है कि किसान के रूप में एकजुट जाट मुस्लिम का गठजोड़ उनकी नया पार लगाएगा। लेकिन ध्रुवीकरण के एक तरफा जीत के भाजपा के दांव से भी वह सजग है। किसानों से वादे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का वास्ता है ताकि गन्ना के खेत में ध्रुवीकरण का जिन्ना अब की बार खड़ा ना हो पाए। मुजफ्फरनगर दंगों के कारण वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव व उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने वाली समाजवादी पार्टी की उम्मीदें इस बार किसानों पर टिकी हुई हैं। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद मुजफ्फरनगर व मेरठ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमले किए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनके लिए भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए किसानों को सम्पन्न बनाने की बात कही।